हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ घरेलू उपचार में। फ्रेंड्स, आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपकी आंखों की रोशनी तेजी से बढ़ जाएगी और आंखों पर लगा मोटे से मोटा चश्मा भी उतर जाएगा। फ्रेंड्स, आजकल बच्चे हो या बड़े, दोनों ही फ़ोन और लैपटॉप का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जिसका सीधा साइड इफ़ेक्ट आपकी आंखों पर पड़ता है। साथ ही कुछ लोग घर पर ही ज़्यादा नज़र का काम करते हैं, जैसे सिलाई करना, कढ़ाई करना और बुनाई करना आदि, जिन पर नज़र काफ़ी टाइम तक जमाई रखनी पड़ती है, जिनके कारण आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है और फिर पढ़ाई या नज़र का काम करते समय आंखों में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, साथ ही आंखों में पानी आने लगता है और साथ ही ठीक से दिख भी नहीं पाता। तो आपकी इन्हीं प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा लेकर आया हूं, जिसके इस्तेमाल से आपकी आंखों की सभी प्रॉब्लम दूर होकर आंखें स्वस्थ हो जाएगी और आंखों की रोशनी इतनी बढ़ जाएगी कि आंखों पर लगा मोटे से मोटा चश्मा भी उतर जाएगा। तो आइए जानते हैं उस नुस्खे के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आइए अब इस नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी 2 अखरोट की गिरी। फ्रेंड्स, अखरोट आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि अखरोट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाया जाता है, जो आपकी आंखों के रुखेपन को दूर करके आंखों को नमी देता है और साथ ही यह आंखों की नसों और कोशिकाओं को ताकत देता है, इसलिए यह आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मददगार होता है। इसके बाद आपको इसमें दूसरी चीज ऐड करनी है, 2 चम्मच मिश्री। मिश्री आंखों की रोशनी को बढ़ाने और आंखों को स्वस्थ रखने में काफ़ी अच्छी होती है। इसके नियमित सेवन से मोतियाबिंद जैसी समस्याओं को दूर करने में फ़ायदा मिलता है। इसके बाद आपको इसमें आखिरी चीज़ ऐड करनी है, 7 काली मिर्च। काली मिर्च में आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, विटामिन ए आदि तत्व पाए जाते हैं, जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने और आंखों की हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करते हैं और साथ ही आंखों को स्वस्थ बनाए रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन तीनों चीज़ों को लेने के बाद इन्हें इमाम जस्ते की मदद से कूट लीजिए। कूटने के बाद आप एक पैन में 1 गिलास दूध लीजिए और उस दूध में इस कूटे हुए पाउडर की 2 चम्मच डालकर इसे 5 मिनट तक गैस पर अच्छे से पकाएं और जब यह 5 मिनट तक पक जाए तो आप इसे गैस से उतारकर हल्का ठंडा कर लीजिए। फिर रात को सोने से 1 घंटा पहले आप इस दूध को पी लीजिए। ऐसा आप 15 से 20 दिनों तक लगातार कीजिए। ऐसा रोजाना करने से आपकी आंखों की रोशनी तेजी से बढ़ जाएगी और आंखों पर लगा मोटे से मोटा चश्मा भी उतर जाएगा। यह नुस्खा बच्चे और बड़े सभी के लिए लाभदायक होता है, इसलिए आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए सभी इसका सेवन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।